वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेम रिएक्शन सो इन टूडे चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मेनिक रिएक्शन ठीक है यदि हम लास्ट वाले चैप्टर की बात करें तो लास्ट वाले चैप्टर में हमने एल्डोल कंडेशन की बात की थी और हमने बात की थी उससे पहले वाले चैप्टर की बात करें तो एलकाइलेसन रिएक्शन और इनामी फॉर्मेशन की बात की थी ठीक है और हमने इनमें क्या किया था देखो हमने पहले बेसिक सी बात करें तो हमने बोला था कि अपने पास जो ये न्यूक्लियोफाइल है हम इसको न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं और अपने पास जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो जो पार्ट सेकंड था अपने पास वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था अपने पास एलकाइल ग्रुप था कुछ और यहाँ पे जो थर्ड वाला चैप्टर था उसमें अपने पास एल रखा था और उसमें हमने यहाँ पे तीन चार रिएक्शन देखी

ठीक है अब जो पहले जो थर्ड वाला चैप्टर था वो हमने एल्डोल कंडेंसेशन पे खत्म कर दिया जो आज का चैप्टर है वो फोर्थ चैप्टर है उसमें हम क्या करेंगे अपने पास जो एल हम यहाँ पे ले रहे थे एल और किटोन ले रहे थे उसमें क्या करेंगे हम अब एमीन भी ऐड कर देंगे हम क्या कर देंगे एक सेकेंडरी एमीन ऐड कर देंगे और उसको नाम देंगे हम क्या देंगे मैनिक रिएक्शन के नाम से उसको हम पढ़ने वाले हैं ठीक तो देखो यदि मैनिक रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन देखी जाए और उसमें क्या क्या, -क्या? स्पेश यहाँ पे प्रजेंट रहती है उसको देखा जाए तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें पहले एक कोई कीटोन होता है कीटोन कोई भी हो सकता है अपने पास ये असाइक्लिक भी हो सकता है और अपने पास कोई साइक्लिक कीटोन भी हो सकता है ठीक है ऐसे ही इसमें क्या होता है एक सेकेंडरी अमीन होता है फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास क्या है सेकेंडरी अमीन है ये अपने पास क्या है सेकेंडरी अमीन है यहाँ पे नाइट्रोजन है ठीक है ऐसे ही कोई एक एल डी हाइड रहेगा यहाँ पे कोई एल डी हाइड रहेगा ठीक है हम फॉर्मेल ले रहे हैं यहाँ पे

अपने पास इनामिन फॉर्म इमीनियम आइन फॉर्म कर लेते हैं ठीक है इमीनियम आइन फॉर्म कर लेते हैं और वो कैसे करते हैं देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये क्या करेगा जो अपने पास जो एल हमने ले रखा है वो क्या रहेगा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेट हो जाएगा ठीक है प्रोटोनेट हो गया यहाँ पे एच प्लस के प्रेजेंस में फिर क्या रहेंगे यहाँ के नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेगा ठीक है तो अपने पास देखो क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पे ओ एच फॉर्म हो गया यहाँ एच था यहाँ पे अपने पास नाइट्रोजन था और यहाँ पे सी एच थ्री यहाँ अपने पास सी एस थ्री और यहाँ पे अपने पास क्या था हाइड्रोजन था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है अब क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा हाइड्रोजन से ट्रांसफर होगा और यहाँ पे ये यह क्या फॉर्म कर, कर लेगा यहाँ सी एस थ्री यहाँ सी एस थ्री था अब क्या करेंगे देखो जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो इधर पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे इस वाटर को निकाल देंगे तो देखो जो अपने पास फाइनल फॉर्म हुआ इससे वो क्या फॉर्म हुआ अपने पास यहाँ पे सी एस थ्री आ गया यहाँ पे अपने पास सी एस थ्री आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया ठीक है तो अपने पास ये क्या हो गया अपने पास इमीनियम आयन फॉर्म हो गया इमीनियम आयन फॉर्म हो गया ठीक अब ऐसे ही सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में क्या रहेगा जो अपने पास जो कीटोन रहेगा जो कीटोन रहेगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या करेगा यहाँ पे ये एल्कोल फॉर्म कर ले मतलब जो इनोल फॉर्म कर लेगा ये हमने पार्ट वन में देखा था कि एसिड की प्रेजेंस में इनोल फॉर्म होता है या इनोलेट फॉर्म होता है तो ये इनोल फॉर्म करेगा और हमने पास जो स्टेप वन में क्या हुआ था अपने पास जो स्टेप वन में अपने पास इमीनियम आयन फॉर्म हुआ था तो देखो इमेनियम आयन क्या करेगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो इधर पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे इस कार्बन से यहाँ पे अटैक हो जाएगा यहाँ पे इस कार्बन से क्या हो जाएगा यहाँ पे अटैक हो जाएगा ठीक तो देखो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट देखा जाए तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा होगा यहाँ पे अपने पास क्या था यहाँ पे ये कार्बन यहाँ पे अटेक करा इस कार्बन पे और यहाँ पे अपने पास जो नाइट्रोजन था उस पर सी था यहाँ पे अपने पास सी था और उसके बाद में क्या रहेगा अपने पास एच प्लस रिलीज होगा और यहाँ पे अपने पास ये फाइनल कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा ठीक है यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो देखो यदि हम इसको डायरेक्ट देखें तो अपने पास क्या हो गया देखो पहले रिएक्शन में यदि हम देखें डायरेक्ट तो यहाँ पे देखो ये वाला जो ऑक्सीजन था जो ये हाइड्रोजन था वो दोनों रिमूव होकर क्या फॉर्म हो गया देखो हम इसको क्या करते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे कुछ लिखते हैं ना इसको ठीक है यदि हम डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करने वाले हैं वो देखें तो यहाँ पे देखो एक कुछ ऐसा रहेगा और यहाँ पे देखो हम इन दोनों को निकाल दें तो क्या होने वाला है अपने पास यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा फॉर्म होने वाला है तो हम इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट भी फॉर्म कर सकते हैं ठीक है तो हमें इतनी स्टेप यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है लेकिन ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि रिएक्शन कैसे जाती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा ये हमने जनरल बात कर ली कि मैनिक रिएक्शन की जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है अब क्या करते हैं कि जो भी हमने अब तक पढ़ा है हम उनको क्या करते हैं अप्लाई करते हैं ठीक है हम क्या करेंगे जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे उसमें हम पिछले वाले जो चैप्टर रहेंगे उनको भी कवर करते चलेंगे ठीक है यदि आपने गलती से कोई मिस भी कर दिया तो हम यहाँ पर उनको रिपीट करेंगे तो यहाँ पर मैं यदि इस बात को ए दूँ यहाँ पर इस बात को बी करूँ यहाँ पर इस बात को सी दूँ तो देखो हम क्या करते हैं पहले बी बात को यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं क्योंकि जो ये वाला बी बात है वो हमने अभी पढ़ा है जो मैनिक रिएक्शन पढ़ा है वही बी बात है तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा जो ये अपने पास जो ये एमीन है सेकेंडरी एमीन और जो एल है इन द प्रेजेंस ऑफ अपने पास क्या रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड में क्या कर देंगे ये एमीनियम फॉर्म कर देंगे तो देखो कैसा होगा यहाँ पे अपने पास एल था यहाँ पे अपने पास एल था और वो क्या कर रहा था एसिड की प्रेजेंस में ये क्या हो गया था प्रोटोनेट हो गया था और यहाँ पे अपने पास क्या था ये फाइव मेंबर की रिंग थी अपने पास यहाँ पे नाइट्रोजन था यहाँ पे हाइड्रोजन था ठीक है अब यहाँ से लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर रहे थे और यहाँ पे यहाँ पे इस पे अपने पास जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था उसको स्टेबलाइज किया ओ एच फॉर्म हो गया इधर यहाँ पे अपने पास नाइट्रोजन फॉर्म हो गया यहाँ पे नाइट्रोजन था और यहाँ पे अपने पास एच था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ अब हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा था अपना हाइड्रोजन ट्रांसफर होके अपने पास कुछ यहाँ पे वाटर फॉर्म मतलब ओ एच टू फॉर्म हो गया था एच टू बोल सकते हैं उसको यहाँ पे नाइट्रोजन था अपने पास यहाँ पे फाइव मेंबर की रिंग थी अब नाइट्रोजन के लोन पे इधर पार्टिसिपेट कर रहे थे और अपने पास क्या फॉर्म कर, कर दिया था इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म कर दिया था ठीक है पे कुछ ऐसा फॉर्म कर दिया था ठीक तो ये देखो यहाँ पे देखा जाए तो ये अपने पास फॉर्म हो गया यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराने से अब अपने पास देखो यहाँ पे जो अलग से जो दे रखा है वो अपने पास कीटोन दे रखा है और वो एसिड की प्रेजेंस में क्या देगा अपने पास जो ये देखा जाए तो ये एसिड की प्रेजेंस में अपने पास इनोल फॉर्म कर लेगा ये इनोल फॉर्म कर लेगा अब क्या रहेगा जो यहाँ पे लोन पेयर है जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो इधर पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे अटैक करेंगे यहाँ पे अटैक करेंगे तो देखो फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है यहाँ पे ये यह था ये वाला कार्बन देखो ये वाला कार्बन ही तो अटैक कर रहा है ना तो ये वाला कार्बन यहाँ रहेगा जो सी एस थ्री इधर रह जाएगा अपने पास ये सी एस टू रहेगा ये एन रहेगा और अपने पास ये फाइव मेंबर की रिंग रहेगी ठीक है और यहाँ पे एच प्लस रहेगा ठीक है अब क्या रहेगा अपने पास एच प्लस यहाँ पे रिमूव हो जाएगा एच प्लस निकल जाएगा और उसके बाद में अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा ठीक है ये वाला फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया ऐसे यदि हम पार्ट एक की बात करें ऐसे ही हम पार्थ ए की बात करें तो देखो पार्थ ए में अपने पास क्या है पार्थ ए में अपने पास सेम स्पीसी दे रखी है लेकिन इस बार हमने क्या किया है एल नहीं लिया इस बार हमने क्या किया है हमने एल नहीं लिया अपने पास कुछ ऐसा है ये अपने पास ये है इन द प्रेजेंस ऑफ अपने पास क्या है एच प्लस है और जो अपने पास सेकेंड है वो कुछ ऐसा दे रखा है तो देखो हमने देखा था कि यदि अपने यहाँ पे देखो एक चीज और कंसेप्ट है कि हमें अब यहाँ पर यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा कि सर आपने एल के साथ ही ये इनामिन अपने पास इमीनियम आयन फॉर्म क्यों किया अपने पास यहाँ पे कीटोन भी था अपने पास यहाँ पे कीटोन भी था तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा अपने पास जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक जो स्पीसीज़ होगी उसके साथ इमीनियम आयन फॉर्म होगा उसके साथ अपने पास इमीनियम आयन फॉर्म होगा ठीक है उसका रीज़न देखो हम क्या देख सकते हैं कि अपने पास ये मान लो कोई कीटोन है ये अपने पास कोई कीटोन है और ये अपने पास कोई एल है ये अपने पास क्या है कोई एल है तो देखो कीटोन में क्या रहेंगे कि जो ये जो अपने पास जो सी एस थ्री ग्रुप हुआ और कोई ग्रुप लगे हुए होंगे वो क्या करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या को करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है अपना जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसको क्या रहे है? कर रहे होंगे ये डिक्रीज कर रहे होंगे जबकि अपने पास यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहेगा ठीक है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा रहेगा और जबकि इसके केस में देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही होगी ठीक है इसलिए बोल सकते हैं कि जो अपने पास जो इमेनियम आयन है वो किसके साथ फॉर्म होता है अपने पास एल के साथ होता है अपने पास कीटोन के साथ नहीं होता लेकिन जो से अपने पास जो पाथ ए है यदि हमने उसमें एल लिया ही नहीं तो अपने पास एक ही ऑप्शन बच जाता है क्या कीटोन फॉर्म कीटोन ही तो बचता है अपने पास तो ये क्या करेगा इसके साथ अपने पास क्या करेगा यहाँ पे यहाँ पे ये यह क्या कर लेगा अपने पास यहाँ पे पहले ये क्या करेगा इमेनियम आयन फॉर्म कर लेगा तो देखो ये हमने देख लिए बार बार देखने की जरूरत नहीं है यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन हम दोनों को निकाल देना है और यहाँ पे ये कुछ ऐसा फॉर्म हो गया था यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म हो गया था और ये हमने देखा था कि यदि यहाँ पे कुछ ऐसा था तो ये अपने आप में ऐसे भी चेंज कर सकता है कैसे चेंज कर सकता है ये अपने पास इनामीन में भी चेंज कर सकता है ये हमने पार्ट टू में देखा था और ये अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म हो गया था यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म हो गया था अब देखो जो अपने पास अलग दूसरा वाला अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक दे रखा है कुछ तो यहाँ से देखो नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे रेजोनेट करके यहाँ पे क्या करेंगे या तो यहाँ डोनेट कर दे या फिर अपने पास यहाँ डोनेट कर दे और हमने होमोलोमो से देखा था कि हमारे पास जो, जो होमोलोमो की बात करें तो हमने देखा था जो पाई स्टार सी है उसकी एनर्जी कम होती है किससे सिग्मा स्टार सी से सिग्मा स्टार सी से जो अपने पास जो न्यूक्लियोफाइल है तो वो वहाँ पे डोनेट करेगा कहाँ पे फाइव स्टार सीसी में डोनेट करेगा और यहाँ पे डोनेट नहीं करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे होमोलूमो गैप कम है और यहाँ पे होमोलूमो गैप अपने पास ज्यादा है तो फाइव तो स्टार सीसी में अटैक करेगा तो पात फर्स्ट इसको दे और सेकेंड इसको देगी तो अपने पास कौन सा फोनो फॉलो होने वाला है फर्स्ट पाथ अपने पास फॉलो होने वाला है ठीक है तो देखो यहाँ पे अटैक कैसे होगा यहाँ पे क्या होगा डबल वन फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और इसके बाद में जो ये वाला कार्बन है ये वाला देखो यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है वही तो अटैक कर रहा है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है इससे यहाँ पे इससे अटैक करा और उसके बाद में कुछ यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करा इस कार्बन पे यहाँ पे अटैक किया इसने और यहाँ पे अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म हो गया क्योंकि ये क्या करेगा जैसे अटैक करेगा यहाँ पे रेजोनेट करेगा और यहाँ पे इसको बिहार को निकाल देगा ठीक है तो अपने पास ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और हमें यदि वाटर दे रखा है एच प्लस और वाटर दे रखा है तो उसके प्रेजेंस में क्या होगा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा अपने पास और लग जाएगा ठीक है ये हम पहले ही बात कर चुके हैं जब हमने इसकी रिएक्शन पढ़ी थी तो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा ठीक है तो ये हमने बात कर ली पार्ट ए और बी की अब देखो जो पार्ट सी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो देखो हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं तो पहले देखो हमें क्या दे रखा है हमें दे रखा है पार्ट सी की बात करें तो अपने पास कुछ ऐसा है यहाँ पे कुछ ऐसा है और हमें देखा है एल डी ए दे रखा है और उसके बाद में हमें देखा है पी एच सी एच ओ दे रखा है पी एच सी एच ओ दे रखा है तो यहाँ पे देखो हम स्टीरियो की बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो इसमें देखो यहाँ पे पहले स्टार्ट क्या करेंगे एल डी ए की बात करें तो एल डी ए अपने पास क्या करेगा यहाँ पे इनोलेट फॉर्म करेगा यहाँ पे क्या करेगा इनोलेट फॉर्म करेगा ठीक है तो देखो इनोलेट कैसे फॉर्म होगा वो देख लेते हैं हम यहाँ पे पहले ये रहेगा ओ माइनस फॉर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ से क्या करेगा ये हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा यहाँ पे इधर मूव करेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस फॉर्म हो जाएगा तो देखो अपने पास कुछ ये इनोलेट फॉर्म हो गया ठीक है अब अपने यहाँ पे पहले बात तो इनोलेट की बात करें तो हमने देखा था कि जेड इनोलेट जो लिथियम वाले जितने भी होते हैं अपने पास जो लिथियम वाले होते हैं जो क्या करते हैं इनोलेट फॉर्म करते हैं और वो कौन सा करते हैं जेड इनोलेट फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी नहीं देखो यहाँ तो ये वाला इनोलेट फॉर्म हो जाए अपने पास या तो ये वाला इनोलेट फॉर्म हो जाए या अपने पास ये वाला इनोलेट फॉर्म हो जाए तो ये अपने पास जेड है और ये अपने पास है इनोलेट है ठीक है और हमने देखा था कि लिथियम जो अपने पास एल है उसकी प्रेजेंस में कौन सा अपने पास इनोलेट फॉर्म हो रहा था जेड इनोलेट फॉर्म हो रहा था यदि हमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन ना दे रखी होती हो ठीक है तो हमने पहले यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को यहाँ पे यहाँ तक सोल्व किया अब देखो आप आगे मूव करते हैं देखो आगे मूव करें तो हमने हमने क्या ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी कुछ ऐसी ये अपने पास डबल वोर्न था ये अपने पास ऑक्सीजन था यहाँ पे अपना आर था और यहाँ पे अपने पास सी एस थ्री था यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन था ठीक है अब देखो अपने पास जो सी एच ओ अपने जहाँ पी एच सी एच ओ उसको लिखने का तरीका था अपने पास क्या तरीका था कि अपने पास जो कार्बोनिल है उसको हमें ऐसे लिखना है हाइड्रोजन को हमें अप साइड लिखना है पीएच को हमें डाउन साइड लिखना है और उसका रीजन ये हमने क्या दिया था कि देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पे जिमरमैन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करा होगा जिमरमैन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करा होगा यहाँ पे अपने पास नेगेटिव था ये भी निगेटिव इधर यहाँ पे मूव करेगा ठीक है यहाँ पे जैसे मूव किया तो ये यह वाला यहां पे अटैक कर देगा देखो फाइनल प्रोडक्ट देखा जाए तो अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा था यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट देखा जाए तो अपने पास यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया था। यहां आर था अपने पास यहाँ हाइड्रोजन था यहाँ सी एच थ्री था ठीक है और अपने पास यहाँ पे क्या था सी था यहाँ पे ओ एच हो गया अपने पास क्योंकि ये जैसे अटैक करा तो यहाँ पे इसने यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस खोला और जो एच प्लस में ये ओ एच फॉर्म कर लेगा यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन था यहाँ पे पी एच था अपने हम हमने यहाँ पर तक बात कर ली अब देखो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम क्या करेंगे इसको न्यूमियन प्रोजेक्शन में पहले लिखेंगे न्यूमियन प्रोजेक्शन में पहले लिखेंगे तो देखो फ्रंट कार्बन की बात करें फ्रंट कार्बन कौन सा है अपने पास ये वाला अपने पास फ्रंट कार्बन है तो इसमें हाइड्रोजन क्या है अप है ठीक है अपने पास इधर देखा जाए तो अपने पास पीएच है और इधर अपने पास क्या है ओ है ठीक है यदि बेक कार्बन की बात करें बेक कार्बन की बात करें तो बेक कार्बन अपने पास ये वाला बेक कार्बन है ठीक है ये वाला बेक कार्बन है इसमें देख सकते हैं अपने पास जो हाइड्रोजन है वो अपने पास किधर है अपने पास लेफ्ट साइड में और जो बिग ग्रुप है जो ये वाला कु ग्रुप है वो अपने पास किधर है राइट साइड में और डाउन साइड में अपने पास सी एस थ्री है और हमने देखो इसको यदि स्टीरियो की बात की थी हमने तो इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जो अपने पास जो सोर्स होता है उसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले हमने बोला था कि हमें जिग जैक बनाना है मतलब जो अपने पास ये वाला रहेगा उसके अंदर हमें क्या करना है ये जिग बनाना है ठीक है तो ये हमने यहाँ पे कुछ ऐसा बना लिया ठीक है यहाँ पे कुछ ऐसा बना लिया तो देखो आर है है ये अपने पास ये वाला ग्रुप है ठीक है और हमने बोला था कि जो अपने पास जो बिग ग्रुप है जो अपने पास जो बिग ग्रुप है उनको क्या रखना है हमने एक दूसरे के एंटी रखना है तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक दूसरे के एंटी है ठीक है ये वाला एंटी है? है इसके ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है यहाँ पे पी लिख दिया ठीक अब देखो यहाँ पे हमने बोला था कि अपने पास यदि इसके राइट साइड जो भी ग्रुप रहेंगे जो इसके राइट साइड रहेंगे उनकी, रहे उनकी स्टीरियो क्या रहेगी इनकी स्टीरियो सेम रहेगी स्टीरियो क्या रहेगी सेम रहेगी स्टीरियो सेम रहेगी और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में रहेंगे इसके उनकी स्टीरियो क्या रहेगी यहाँ पे सेम रहेगी अब बोल रहे होंगे कि लेफ्ट साइड राइट साइड समझ नहीं आ रहा तो देखो तो यहाँ से खड़े हो गए देखो तो यह यहाँ से खड़े रहोगे तो ये अपने पास कौन सी साइड रहेगी लेफ्ट साइड रहेगी ये देखोगे तो राइट साइड रहेगी ऐसे बोल सकते हैं कि हम इसके बीच में से जो अपने पास जो बिग ग्रुप है उन दोनों को एंट्री रख के अपने यहाँ पे एक लाइन खींच दो और जो इसके यहाँ पे एक साइड रहेंगे वो, वो उनकी स्टीरियो सेम रहेगी जो उसके अदर साइड रहेंगे उनकी स्टीरियो सेम रहेगी तो देखो यदि इसकी बात करें तो इस पर हम मेरी में मिथाइल को जो इस पे जो मिथाइल ग्रुप है यदि मैं उसकी स्टीरियो ऐसे दूँ तो जो मेरे पास यहाँ पे जो ओ एच फॉर्म हो रहा है उसकी स्टीरियो मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगी सेम रहेगी ऐसे ही, ही हाइड्रोजन की बात करूँ मेरे पास हाइड्रोजन ऐसे है तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन ऐसे रहेगा ठीक है।, है तो हमने इसमें ये प्रोडक्ट की बात की थी ठीक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके नेट और गेट की बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिएक्शन की बात करें तो ये सभी एग्जाम में सभी मतलब बोल सकते हैं आई टी जैम डी सब बी एच सब के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है अब मूव करते हैं हम अपने लेवल वन की तरफ तो लेवल वन को देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि अपने पास क्या करेंगे हम यहाँ पे एक इसी में मतलब जो बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है उसमें हम क्या करेंगे जो अपने पास जो इनामिन फॉर्म होगा जो इनामिन फॉर्म होगा अपने पास जो सॉरी इमीनियम आइन फॉर्म होगा उसमें क्या करेंगे जो अपने पास जो मोलिक्यूल है उसी में अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर छिपा रहेगा ठीक है तो देखो हम इसकी तरफ मूव करें तो देखो पहली स्टेप में क्या रहेगा पहली स्टेप में देखा जाए तो ये दोनों मिलकर क्या कर लेंगे अपने पास देखो यहाँ पे अपने पास ये बेंजीन था यहाँ पे ये था यहाँ पे अपने पास देखो यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ पे अपने पास ये सी एच थ्री है यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे एच है अब मैं क्या कर रहा हूँ जो अपने हाँ पास जो एल डी आईड है ये वाला एल डी आईड है वो मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ ठीक है ऐसे कुछ लिखा मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ ये क्या रहेगा ऐसे रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये ऐसे रहेगा और हमने बोला था ये दोनों क्या करते हैं यहाँ पे मिलके के यहाँ पे माइनस एच टू मतलब वाटर निकाल देते हैं तो अपने पास देखो क्या फॉर्म हो गया देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्म हो गया यहाँ पे सी एस थ्री है यहाँ पे अपने पास जो सी एस टू हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया ठीक है अब देखो जो बेंजीन रिंग है जो अपने पास जो बेंजीन रिंग होती है वो क्या होती है अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंस होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो ये क्या करेगा एज एजे न्यूक्लियोफाइल काम करेगी एजे न्यूक्लियोफाइल काम करेगी तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखो जो ये वाला कार्बन है यदि हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं मान लो कि हमने जो यहाँ पे जो ड्रॉ किया है वो हमने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दे इसको जो बात तो एक ही है ना यहाँ पे बात तो इक्वल है ठीक है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये हमने क्या किया नाइट्रोजन ले लिया यहाँ सी एस थ्री यहाँ पे अपने पास सी एस टू रह गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया अब देखो जो ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ पे अटैक कर सकता है देखो रीजन ये है उसका कि ये क्या करेगा सिक्स मेंबर की ट्रांज सिक्स मेंबर की अपने पास जो तो न्यू सिक्स मेंबर की अपने पास रिंग फॉर्म कर रहा होगा तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होने वाला है अपने पास यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे अपने पास ये था यहाँ नाइट्रोजन था यहाँ सी एस टू था यहाँ पे था और ये अपने पास यहाँ पे सी एस थ्री था और यहां पे अपने पास पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया ठीक है अब ये क्या करेगा हाइड्रोजन रहेगा कोई बेस आएगा यहाँ पे बेस आएगा इसे हाइड्रोजन को अपस्टेट कर लेगा और यहाँ पे क्या कर देगा यहाँ पे इधर मूव हो जाएगा ठीक है मतलब कार्बो कार्बोकेटाइन को अपने पास स्टेबलाइज कर देगा और एरोमेटिसिटी अपने पास गेन हो जाएगी ठीक है एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी यहाँ पे नाइट्रोजन है यहाँ पे सी एस थ्री है ये वाला कुछ फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है किसी किसी के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर यहाँ से अटैक क्यों नहीं कराया इस रिंग में यहाँ से अटैक क्यों नहीं करवाया यहाँ से क्यों नहीं करवाया तो देखो बात यह है कि अपने पास जो सेवन मेंबर की रिंग है वो ज्यादा इतनी स्टेबल नहीं रहती और यदि यहाँ से अटैक करवाया तो ये वाला अपने पास ब्रिज हो जाएगा ये वाला ब्रिज में चला जाएगा तो देखो यहाँ पे नॉन ब्रिज अपने पास साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया ठीक है ये यह हमने यहाँ पे इसकी बात कर ली अब देखो हम यदि आगे मूव करें पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बेस पर यदि हम क्वेश्चन करें तो देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिया है ऐसे यहाँ पे मान लो कि हम पूरे सारे अपने सोल हो जाएंगे तो देखो अपने ये क्या है अपने ये कुछ बोल सकते हैं कि ये, ये, इन द प्रजेंस ऑफ ये ये इनोल फॉर्म रहेगा और यहाँ पे अपने पास ये क्या हो जाएगा अपने पास ये कुछ अपने पास यहाँ पे ये दो है और वो दोनों मिलके क्या कर लेंगे अपने पास यहाँ पे अपने पास इमीनियम फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे सी एस थ्री है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया ठीक है अब देखो आपको यहाँ पे कुछ यदि नजर आ रहा हो तो मैं आपको बता दू यहाँ पे कुछ यदि आप अपना दिमाग लगा लो या फिर मैं अपने हिसाब से बता दू यहाँ पे यहाँ पे देखो ये डबल वोड है ठीक है अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं हम इसको यहाँ पे ये यह डबल वोन्ड है ठीक है तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा देखो दो पॉसिबिलिटी है यदि आपने पेरिसाइक्लिक के चैप्टर देखे होंगे तो यहाँ पे देखो अप्लाई करना देखो यहाँ पे मैं इसको वन टू थ्री वन टू थ्री अप्लाई कर सकता हूँ मैं वन टू थ्री वन टू थ्री मतलब तो थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉफी है वो कर सकता हूँ और इसको बोला था हमने क्या बोला था एजा ऑफ बोला था हमने एजा कॉफ़ रिएक्शन बोली थी नहीं बोली थी इसको एजा कॉफ रिएक्शन बोली थी हमने तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है अपने पास थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉफी हो सकती है तो, तो देखो यदि मैं थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉफी करवाऊँ मैं यहाँ पे यदि यह मैं थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉफी करवाऊँ तो सिग्मा ट्रॉफी में थ्री थ्री में क्या था अपने पास जो वन और वन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड था वो क्या हो रहा था अपने पास ब्रेक हो रहा था ब्रेक हो रहा था और जो थ्री और थ्री के बीच में अपने पास क्या हो रहा था सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था जो अपने पास जो टू और थ्री था जो टू और थ्री था उसमें जो सिग्मा था वो किस में चेंज जो पाई था अपने पास वो सिग्मा में चेंज हो रहा था और जो वन और टू था उसमें जो सिग्मा था जो सिग्मा था अपने पास वो किस में चेंज हो रहा था अपने पास पाई में चेंज हो रहा था ये हमने बात अपने पेरिसाइकलिंग में की थी तो देखो यदि इसको ड्रॉ करें वापस यदि ये सारे चीज कंसेप्ट करके तो यहाँ पे ये ओ एच फॉर्म हो गया यहाँ पे थ्री और थ्री के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया यहाँ पे नाइट्रोजन था यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया यहाँ पे प्लस हो गया यहाँ पे सी एस थ्री हो गया तो देखा देखा जाए तो ये सेम से सिमिलर सा हो गया ना तो अब क्या करेगा जो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है ऑक्सीजन है यहाँ पे इधर ये इसके लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे इसको यहाँ पे अटेक करके यहाँ पे क्या करेंगे कार्बोकैटाइन को अपने पास क्या कर देंगे स्टेबलाइज कर देंगे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया अपने पास साइक्लाइज प्रोडक्ट फॉर्म हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एच फॉर्म हो गया और लास्ट में क्या रहेगा माइनस एच प्लस निकल जाएगा और यहाँ पे ये यह क्या आ जाएगा अपने पास प्रोडक्ट की बात करें तो ये वाला अपने पास फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा ठीक है

हाइड्रोक्सी ग्रुप था वो अपने पास सीट तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अपने पास सेकंड पोजीशन पे था लेकिन अब की बात देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि अपने पास जो यहाँ पे देखा जाए तो वन टू थ्री इसको दे वन टू और अपने पास जो थ्री फॉर्म होगा देखो पहले इसको दे दें वन टू यहाँ पे दे दें और पहले क्या करते हैं हम इसकी जो एच सी है और एच प्लस की रिएक्शन करवा के हम इसको क्या कर देते हैं हम यहाँ पे यहाँ पे इमीनियम आइन फॉर्म कर देते हैं यहाँ पे ओ एस फॉर्म हो गया और यहाँ पे अपने पास ये क्या हो गया अपने पास सी एच टू फॉर्म हो गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया और यहाँ पे अपने पास सी एस थ्री है ठीक है तो देखो ये वाला इससे रिएक्शन करेगा ये वाला इससे रिएक्शन करेगा तो हमने अभी देखा कि आयन फॉर्म कर देता है अब देखो यदि इसकी नंबरिंग दे थ्री इसको दे one, two, और को दे और इसको तो जो पहले वो जो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था उसमें हमारे पास जो ओ एच OH ग्रुप था वो कहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे अटैच था और अब अप, अब की बार अपने पास है वो फर्स्ट पे है ठीक है तो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या हो जाता है देखो यहाँ पे हम देखेंगे पहले हमने देखा था कि ये अपने पास इमेनियम आयन ऐसे फॉर्म हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ पहली स्टेप मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट कंडीशन ठीक अब देखो अपने पास जो सेकंड कंडीशन दे रखी है उसमें बेस दे रखा है तो बेस में क्या रहेगा जो अपने पास ये कुछ रहेगा अपने पास यहाँ पे ये सी एस थ्री रहेगा यहाँ पे अब यहाँ पे सी एच टू रहेगा ये सी एच टू रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ओ एच रहेगा और वो बेस की प्रेजेंस में अपने पास जो के एच है वो क्या करेगा अपने पास यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा माइनस फॉर्म करेगा यहाँ पे और यहाँ पे अपने पास एन सी एच टू सी एस थ्री पॉजिटिव फॉर्म हो गया ठीक है अब देखो यहाँ पे नंबरिंग करें वन टू थ्री इसको करें वन टू थ्री इसको करें ठीक है तो यहाँ पे देखो कौन सी कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या करता है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव कर रही होती है एक्चुअली में ये रेजोनेट नहीं करती लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करता रहता है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो बोल सकते हैं भी यहाँ पे थ्री -थ्री सिग्मा ट्रोपी रिएक्शन होगी थ्री थ्री सिक्समा ट्रोपी रिएक्शन हुई और देखो थ्री थ्री सिक्गमा ट्रोपी में हमने अभी देखा कि वन वन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है के बीच में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक थ्री थ्री के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है वन वन के बीच में ब्रेक होता है टू थ्री के बीच में जो पाई है वो सिग्मा में चेंज हो जाता है और जो वन टू के बीच में अपने पास पाइव बॉन्ड फॉर्म होता है तो देखो यदि हम इसको अप्लाई करें तो देखो अपने पास जो फाइनल है वो कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा होगा यदि हम थ्री थ्री के बीच में ये यह हमने यहाँ पे अप्लाई किया यहाँ सी एस थ्री था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे अपने पास ये कुछ ऐसा था अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म हो गया अब देखो यहाँ पे उसमें तो क्या था कि अपने पास ओ एच था वहाँ पे जो सेकेंडरी पे था उसने यहाँ पे पुश किया और यहाँ पे अटैक करवा दिया अपने पास तो सिक्स यहाँ पे इस कार्बन से लेकिन जब अब यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर रेजोनेट करेगा और रेजोनेट करके जो कार्बन पे पहले क्या करेगा यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म करा होगा और जो वो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है यदि हम इसको स्टेप बाई स्टेप देखें तो यहाँ पे ये इस पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म करा हुआ यहाँ पे इसने कुछ ऐसा फॉर्म कर दिया ठीक है यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म कर दिया यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है अब ये नेगेटिव क्या करेगा यहाँ पे अटेक कर सकता है और यहाँ पे इसको ऐसे मूव करा सकता है मतलब जो कार वो कैटाइन अपना उसको स्टेबलाइज करा देगा तो देखो अपने पास जो रिंग है वो कितने मेंबर की बन गई देखो वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव मेंबर की अपने पास रिंग बन गई फाइव मेंबर की अपने पास क्या हो गई रिंग बन गई ठीक है यहाँ पे साइक्लिक प्रोडक्ट हो गया और अपने पास यहाँ पे जो ये लेफ्ट हुआ वो क्या बच गया यहाँ पे एच है यहाँ पे अपने पास जो यहाँ पे देखा जाए तो अपने पास सी एच ओ मतलब सी एच ओ है तो इसको यदि ओपन करके लिखे यदि तो ये अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म हो गया ठीक है नंबरिंग हमने सही की है तो अपने पास जो वन है ये वन था अपने पास ये टू था ये थ्री था ये फोर था ये फाइव था तो अपने पास जो वन और फाइव के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया और यहाँ पे एल ग्रुप लग गया तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है या नहीं है ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ठीक है तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले मैनिक रिएक्शन करवा दी और उसके बाद में अपने पास जो थ्री थ्री रिएक्शन करवा दी थ्री थ्री रिएक्शन करवा दी तो, तो देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं करते हैं मूव करते अपने लेवल टू की तरफ तो लेवल में बात करेंगे हम की मतलब ये फॉर्म कैसे होता है ठीक है तो देखो बात करें यहाँ पे इन दोनों की और जो अपने पास जो यहाँ पे क्या है एम है और जो एल डी हेड है तो वो दोनों क्या करेंगे दोनों ये पहले ये वाला और जो एल डी हेड है वो दोनों मिलकर क्या करेंगे अपने

यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा था यहाँ पे एच प्लस था और उसके बाद में हमने बोला था एच प्लस यहाँ पे मूव कर रिमूव हो जाएगा और उसके बाद अपने पास यहाँ पे क्या हो गया ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया अब हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो ट्वेल्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या देखा था जो अपने पास सी एच थ्री आई है यहाँ पे ये यह क्या है सी एस थ्री आई है वो क्या करेगा यहाँ पे जो नाइट्रोजन है जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर क्या करेंगे यहाँ पे इस पर अटैक करेंगे यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है उसमें यहाँ पे अटैक करेंगे तो देखो अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे कुछ यहाँ पे नाइट्रोजन है यहाँ पे सी एस थ्री है यहाँ पे ये यह क्वारनेरी का क्या बना देंगे यहाँ पे क्वारनेरी अपने पास एमिन फॉर्म हो जाएगी ठीक है अब देखो क्या होगा अपने पास जो बेस रहेगा ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन है उसका रीजन ये है कि देखो यहाँ पे यदि यह ये नेगेटिव फॉर्म करता है यहाँ पे यहाँ पे ये यह नेगेटिव फॉर्म करता है यहाँ पे ये मान लो इसने नेगेटिव फॉर्म कर दिया देखो दि यहाँ पे एक बार हम नेगेटिव फॉर्म करवा देते हैं अब ये क्या करेगा यहाँ पे रेजोनेट करके इधर मूव कर जाएगा इधर मूव कर सकता है ना तो ये क्या है अपने पास यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है यहाँ पे तो ये अपने पास जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो क्या था अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन था क्या था।, था अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन था तो अब देखो क्या होगा अपने पास जो नेक्स्ट स्टेप में है जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है वो इधर मूव करेगा ये इधर मूव करेगा और यहाँ पे ये अपने पास क्या का यहाँ पे क्या एमिन यहाँ पे ये डबल यहाँ पे जैसे जैसे इसने डबल मोड मूव किया तो ये अपने पास एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा क्या निकल जाएगा ए जो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और जो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा ये वाला फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा और इसको क्या बोल रहे थे हम अल्फा बीटा अनसेड कीटोन बोल रहे थे क्या बोल रहे थे हम इसको अल्फा बीटा अल्फाबेटाचुरटेड कीटोन तो देखो यहाँ पे पहले क्या किया हमने जो सेम रिएक्शन वापस जो लेवल वन की थी वो करवाई और उसके बाद में हमने क्या किया एक नेक्स्ट स्टेप में हमने पे पे एलिमिनेशन करवा दी तो देखो यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज हुआ है और नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो के अपने पास कोई लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो इसको कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं बोल सकते हैं और हमने डिस्कस किया था कि यूएनसीबी में क्या था पहले नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा था और उसके बाद में अपने पास क्या हो रहा था अपने पास ये लिविंग ग्रुप निकल रहा था ठीक अब हम क्या करते हैं इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो देखो अपने यहाँ पे हमने तीन चार स्टेप लिए हैं और उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे वाले हैं रिएजेंट भी हम यूज में लेने वाले हैं कि रिएजेंट का क्या रोल रहता है क्या नहीं रहता तो देखो पहली स्टेप बहुत ही ईजी है पहली स्टेप की बात करें तो देखो यहाँ पे ये वाला जो अपने पास एमिन है और जो ये क्या करेंगे अपने पास दोनों मिल अपने पास इमीनियम फॉर्म कर लेंगे अपने पास क्या कर लेंगे ये इमीनियम फॉर्म कर लेंगे ये इसने इन्होंने फॉर्म कर लिया दोनों ने मिल अब अपने पास जो कीटोन था वो क्या करेगा अपने पास यहाँ पे एल्कोल फॉर्म में यहाँ पे जो इनोल फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा और इनोल फॉर्म में यहाँ पे ये यह क्या करेंगे लोन पेड पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे अटेक करेगा ये इधर मूव करेगा तो अपने पास जो पहली स्टेप है जो एक की बात करें तो ए में देखो अपने पास क्या फॉर्म होने वाला है यहाँ पे ये यह जो वाला कार्बन था यहाँ यहा पे इसने यहाँ पे अटेक किया यहाँ पे अपने पास नाइट्रोजन था यहाँ अपने पास सी एस थ्री था यहाँ अपने पास सी एस थ्री था ठीक है और यहाँ पे अपने पास जो ये यह हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन है उस पर सी एस टू था यहाँ पे प्लस फॉर्म हुआ था पहले और उसके बाद में हमने बोला था कि ये क्या करेंगे एच प्लस रिमूव हो जाएगा और अपने पास जो ये हाइड्रोजन है वो भी मूव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपना वो हो जाएगा खत्म हो जाएगा ठीक है मतलब बोल सकते हैं अपने पास ये वाला ए फॉर्म हो गया ये क्या हो गया अपने पास ए फॉर्म हो गया अब अपने ए के बाद में देखा है सी एस थ्री आई दे रखा है तो देखो सी एस थ्री आई में देखा जाए तो अपने पास जो सी एस थ्री आई है यहाँ पे ये क्या करेगा जो नाइट्रोजन के पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेंगे और इसको आई को निकाल देगा ठीक है तो देखो अपने पास जो फाइनल है यहाँ पे ये यह ऐसा कुछ फॉर्म हो गया यहाँ पे क्वार्टनरी यहाँ पे एमिन बन गया ठीक है अब क्या करेगा जो बेस है वो यहाँ पे देखो जो ये वाला हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन वो एसिडिक है तो ये क्या करेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा यहाँ नेगेटिव चार्ज फॉर्म करा ये इधर मूव करेगा ये इधर जाएगा फिर वापस रेजोनेट करके क्या एट द एंड क्या स्टोरी हो जाएगी हम बोल सकते हैं कि जो ये नेगेटिव चार्ज है वो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर लेगा जो बेस होगा जो ओ होगा अपने पास जो बेस होगा वो हाइड्रोजन को कॉन्सनट्रेट करेगा और ये क्या कर देगा यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन को कॉन्सनट्रेट करने के बाद में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर दिया इसने और ये नेगेटिव इधर मूव करके यहाँ पे क्या कर देगा अपने पास यहाँ पे

आर एम जी एक्स दे रखा है तो इसकी आर एम जी एक्स के साथ रिएक्शन करवाएं हम तो देखो क्या होने वाला है हमें पता है कि आर एम जी एक्स क्या देता है डायरेक्ट अटैक दे करता है डायरेक्ट अटैक करता है उस, उसका रीज़न क्या था अपने पास ये क्या होता, अपने होता, है, होता है, क्या है अपने पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है और हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं अपने पास डायरेक्ट अटैक करते हैं डायरेक्ट अटैक करते हैं तो डायरेक्ट अटैक कहाँ करेगा ये अपने पास डायरेक्ट अटैक किया इसने तो कहाँ पे करेगा अपने पास ये कार्बोनिल पे करेगा कार्बोनिल पे करेगा क्योंकि जो अपने पास कार्बोनिल वाला जो सेंटर है वो क्या आपके पास हार्ड सेंटर है ठीक है हार्ड सेंटर है ये हमने रिएजेंट में बात की थी जेबीसन ने भी इसके बारे में डिस्कस किया है तो अपने पास जो फाइनल है मतलब जो पहले आर एम जी एक्स वो क्या करेगा यहाँ पे ओ माइनस यहाँ पे आर हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही अपना ठीक है और उसके बाद में हमें वर्कअप दे रखा है एच प्लस दे रखा है और एच टू दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कुछ एल्कोल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा ठीक है यहाँ पे देखो ये अपने पास जो है वो क्या हो गया अपने पास पी फॉर्म हो गया यहाँ पे क्या हो गया अपने पास पी फॉर्म हो गया अब देखो हमें दो second drum, जो सेकंड टर्म मतलब जो इस साइड सी की बात करें अब हम सी की बात करें तो देखो सी में अपने पास क्या होगा पहले बी से अपने पास सी फॉर्म करवा रहा है आर टू सी यू एल आई दे रखा है तो देखो बी कौन सा था अपने पास यहाँ पे हम डिफरेंट कलर चेंज करें तो देखो अपने पास ये बी था अपने पास यहाँ पे ये अपने पास बी था और आर टू सी यू एल आई दे रखा है आर टू सी यू एल आई दे रखा है तो आर टू सी यू एल आई क्या करता है अपने पास एडिशन देता है देता है, देता है ना, तो, यह क्या दिया, तो यहाँ पे देखो यह क्या होता है होता है अपने तो सॉफ्ट सेंटर अपने पास कॉन्जुगेट तो एडिशन वाला होगा तो जो आर है वहाँ पे यहाँ पे अटैक करेगा वो इधर फॉर्म करेगा और यहाँ पे यह इधर मूव हो जाएगा तो अपने पास देखो क्या फॉर्म हो रहा है अपने पास यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे ये o अपने इस जो ये वाला कार्बन था अपने, अपने इलेक्ट्रोफाइल इसके इसके और दे रखा है यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है जो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे वो इधर रेजोनेट करेगा ठीक है और ये वाला कार्बन या तो यहाँ पे अटेक कर दे या फिर अपने पास यहाँ पे अटेक कर दे और हमने बोला था कि फाइव स्टार सी सी की अपने पास क्या होती है एनर्जी कम होती है किस के का कंपेरिजन में सिगमा स्टार सी बी आर का तो अटैक कहाँ होगा यहाँ पे इस पास से जाएगा इस पास से जाएगा तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं इतनी दूर नहीं जाने की जरूरत हमें यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है तो अपने पास देखो यहाँ पे ये इधर से रेजोनेट करा यहाँ पे इस पर अटैक किया इधर यहाँ पे रेजोनेट करेगा यहाँ पे बी आर को निकाल देगा ठीक है तो देखो प्रोडक्ट कैसा फॉर्म हो गया अपने पास यहाँ पे प्रोडक्ट देखा जाए तो यहाँ पे डबल बोन ओ आ गया यहाँ अपने पास आर था और यहाँ पे अपने पास ये कुछ सा फॉर्म हो गया यहाँ पे अपने पास क्या हो गया यहाँ पे ये इसका कार्बन पे अटैक करा इसने और अपने पास ये यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म हो गया ठीक है यहाँ पे किसकी बात हो गई अपने पास यहाँ पे यदि हम इसको डी बोले तो डी अपने पास ये वाला फॉर्म हो गया ये अपने पास क्या हो गया डी फॉर्म हो गया सॉरी ये अपने पास सी फॉर्म हो गया ये अपने पास क्या हो गया अपने पास

अब इसके बाद में जो रिएक्शन दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है एल डी ए और अपने पास ये दे रखा है ये इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है ठीक है तो देखो एल डी ए की, तो की प्रेजेंस में देखा जाए तो अपने पास ये कुछ इनोलेट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे ये इनोलेट फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास ये आर ग्रुप था यहाँ पे मिथाइल था अब क्या रहेगा जो ये नेगेटिव वो इधर रेजोनेंस करेगा और जो अपने पास जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पे क्या करेगा ये यह वाला यहाँ पे रेजोनेट करा और ये वाला कार्बन यहाँ पे अटेक करेगा ये इधर मूव करेगा और यहाँ पे इसको निकाल देगा देखो फाइनल प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पे तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या हो गया कुछ ऐसा फॉर्म हो गया यहाँ पे मिथाइल है और अपने पास यहाँ पे क्या है अपने पास ये वाला ग्रुप है ठीक है तो देखो यहाँ पे हमने कितने स्टेप देख लिया हमने रिएजेंट देख लिया आर टू सी एल आई और देख लिया आर एम जी एक्स देख लिया एल डी ए का रोल देख लिया और यहाँ पे हमने मैनिक रिएक्शन देख ली तो देखो हम एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं ठीक है मतलब दो तीन यहाँ पे रिएजेंट दे देते हैं और उनसे अपने पास यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करवाते हैं ये यह हमने यहाँ पे बात किया अब हम लेवल थ्री की तरफ मूव करें लेवल थ्री की तरफ मूव करें तो देखो यहाँ पे क्या है पहले तो वही बात आ गई अपने पास यदि हम मान लो कि यहाँ पे ये क्या करेंगे दोनों मिलके यहाँ पे अपने पास क्या कर लेंगे पे इमीनियम आयन फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे क्या कर लेंगे अपने पास इमेनियम आयन फॉर्म कर लिया इन्होंने देखो अपने पास यहाँ पे नाइट्रोजन था यहाँ पे सी एस थ्री था और यहाँ पे अपने पास सी एस थ्री था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था ठीक है अब देखो यदि हम बात करें यदि लेक्चर हम टेंथ की बात करें जो अपने नेम रिएक्शन जो अपने पास रिएक्शन मैकेनिज्म का था तो हमने बोला था कि अपने पास जो आयरोल है वो अपने पास यहाँ पे कौन सी कौन सी पोजीशन पे अपने पास यहाँ पे अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल रहा अपने पास तो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा ये मान लो ये अपने पास इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे अपने पास ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे सी एस थ्री है सी एस थ्री है ठीक है तो इसकी बात करें तो ये क्या कर रहा था यहाँ पे रेजोनेट करके इधर जा रहा था ये इधर मूव कर रहा था और यहाँ पे यह जो सेकंड पोजिशन से यहाँ पे अटैक कर रहा था मतलब बोल सकते हैं कि अपने पास ये क्या कर रहा था यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा था यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे अपने पास ये एन सी एस थ्री सी एस थ्री फॉर्म करा था ठीक है और इसके बाद में क्या आ रहा था जो ये वाला हाइड्रोजन था वो निकल के यहाँ पे वापस रेजोनेट करके ये कुछ ऐसा फॉर्म कर दिया था और इसने बोला था कि अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा था ठीक है अपने पास एन एम ई फॉर्म हो रहा था और एन एम ई यहाँ पर फॉर्म हो रहा था ये किसके केस में था अपने पास पायरोल पार। के केस में था लेकिन इंडोल के केस में हमने क्या बात की थी हमने कि अपने पास जो से, यहाँ पे देखो ये सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे क्या हुआ सेकंड पोजीशन पे अप, अपने पास जो अटैच हुआ है यहाँ पे जो भी अपने पास जो इलेक्ट्रोफाइल था वो सेकंड पोजीशन पे अटैच हुआ है लेकिन इंडोल की बात करें तो इंडोल में हमने क्या बोला था कि वो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे अटैच होगा और थर्ड पोजिशन पे अटैच होने का रीजन भी बताया था हमने कि यदि अपने पास ये इधर से ये अपने पास ये लोन पे इधर से यहाँ पे मूव करे ठीक है और अपने पास ये वाला अपने पास क्या इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे अभी ये इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे ठीक है यहाँ से इधर मूव करे तो यहाँ पे यहाँ इस इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा और वो यहाँ से अटैक कर सकता है ठीक है और किसी किसी के दिमाग में ये भी आया था उस टाइम पे कि जब मान लो कि सर यहाँ पे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दें और यहाँ पे नाइट्रोजन को यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे लिख दें तो ये रेजोनेट तो इधर से भी कर सकता है ना यहाँ पे रेजोनेट इधर से करेगा इधर से करके यहाँ पे भी अटैक कर सकता है ना तो देखो यहाँ पे यदि इसके केस में देखा जाए देखो पहले यदि इसके केस में देखा जाए तो ये थर्ड पोजीशन पे अटैक कर रहा है और जो सेकंड वाला है उसके केस में अपने पास सेकंड पोजीशन पे अटैक कर रहा है लेकिन इसके केस में हमने क्या बोला था कि देखो ये क्या कर रहा था यहाँ पे इस यदि हमारे पास ये वाला था अपने पास देखो इसको सही से ड्रॉ करे यहाँ पे ये अपने पास ये वाले अपने पास क्या बोल रहे थे अपने पास इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था ये अपने पास कुछ ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था अपने पास ये कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा था अपने पास यहाँ पे क्या हो रहा था अपने पास एन था यहाँ पे यहाँ पे एम ई है यहाँ पे एम ई है ठीक है ये अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसमें हमने बोला था कि ये कौन सी फॉर्म है क्यूनोइड फॉर्म है मतलब जो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है उनकी वजह से जो अपने पास जो एरोमेटिक रिंग है उसकी क्या एरोमेटिसिटी लूज हो रही है और ये कौन से क्यूनोइड फॉर्म है और जबकि इसके केस में देखा था अपने पास वो कौन सी फॉर्म थी ये बेंजोनोइड फॉर्म थी तो बेंजोनोइड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन क्यूनोइड फॉर्म तो हमने बोला था कि अटैक कौन सी कौन से पाथ से जाएगा इससे जाएगा ठीक है देखो इस पाथ से यदि अपने पास अटैक करवाया हमने तो अपने पास देखो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ अपने पास यहाँ पे ये था हाइड्रोजन था और यहाँ पे अपने क्या हो गया अपने पास यहाँ पे यहाँ पे देखा जाए तो ये सी एस टू था और एन एम ई हो गया इधर एन एम ई इधर हो गया और यहाँ पे अपने पास क्या हो गया यहाँ पे ये अपने पास कुछ ऐसे था यहाँ पे कुछ ऐसे था ठीक है अब अप, अपने पास क्या होगा देखो यहाँ पे दो कंडीशन है अपने पास यहाँ पे पहले ये फॉर्म हुआ और उसके बाद में क्या होगा देखो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है अभी भी अपने पास यहाँ पे क्या है अपने पास पॉजिटिव चार्ज है अब देखो एन ए सी एन रहेगा जो एन ए सी एन रहेगा वो क्या करेगा अपने पास जो हाइड्रोजन होगा यदि हम इसको यदि वापस रेजोनेट करके यदि वापस सही से लिखे यदि हम इसको तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पे देखो क्या करेंगे जो ये डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे नहीं था शायद यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं था अपने पास यहाँ पे इसने यहाँ पे मूव किया और उसके बाद में अपने पास ये वाला फॉर्म हो गया और इसमें यहाँ पे जो ये रेजोनेट करके जो हाइड्रोजन यहाँ पे ये इधर मूव करके यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म कर दिया था इसने ठीक है यहाँ पर क्या किया था बेस था उसने यहाँ पे इसने पहले ऐसा फॉर्म कर दिया अपने पास यहाँ पे क्या कर दिया हाइड्रोजन रह गया यहाँ डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे अपने पास एन एम ई था और यहाँ पे एन एम ई था ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या था अपने पास जो एन ए सी एन था एन ए सी एन था वो क्या कह रहा था सी एन माइनस था वो यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट कर रहा था ये इधर मूव कर रहा था और ये इधर मूव करवा के अपने पास जो यहाँ पे जो ये था अपने पास क्या था एन एम ई टू था अपने पास जो एन एम ई टू था वो उसको क्या कर रहा था अपने पास यहाँ पे रिमूव कर रहा था देखो एन एम ई टू यहाँ पे ऐसे तो रिमूव होगा नहीं यहाँ पे क्या है एज ए लिविंग ग्रुप तो है नहीं लिविंग ग्रुप तो है नहीं तो पहले क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे अपने पास एम ई आई भी डाल देंगे एम ई आई भी डाल देंगे ठीक है एम ई आई डाल दिया हमने तो ये क्या हो गया क्वार कार्बन हो जाएगा पार्टनरी कार्बन होता है ये जैसे इधर मूव करा तो यहाँ पे इसको निकाल देगा यहाँ पे इसको निकाल देगा नहीं देखा यहाँ पे देखो क्या फॉर्म हो जाएगा अपने पास देखा जाए तो ये अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म हो गया यह नाइट्रोजन है यहाँ पे माइनस था अपने पास जो माइनस तो यहाँ पे रेजोनेट कर चुका है यहाँ पे रेजोनेट कर चुका है और यहाँ पे अपने पास कुछ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास डबल बाउंड फॉर्म हो जाएगा ठीक है अब अपने पास जो सी तो है वो वापस यहाँ पे टेक करेगा यहाँ पे सी वापस टेक करेगा और यहाँ पे इधर मूव करेगा और जो यहाँ पे जो यहाँ पे नाइट्रोजन है उस पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा यहाँ पे अपने पास क्या कर देगा नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा तो देखो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी वापस गेन कर दी हमने यहाँ पे अपने पास ये सी एन लग गया यहाँ पे क्या लग गया अपने पास सी एन लग गया ठीक है तो अपने पास जो पहला प्रोडक्ट है वो अपने पास कुछ ऐसा हो गया मतलब यहाँ तक जो इसकी स्टेप की बात करें तो अपने पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया देखो तो यदि हम इसको दोबारा रिवाइज करें यदि हम दोबारा रिवाइज करें तो देखो क्या बोल सकते हैं कि पहले अपने पास इमूनियम आइम फॉर्म हुआ थर्ड पोजिशन पर अटैक किया अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म हो गया और उसके बाद में देखा जाए तो ये वाला अपने पास हाइड्रोजन क्या था अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन था तो इसने क्या किया यहाँ पे यहाँ पे रेजोनेट करके यहाँ पे क्या किया अपने पास वापस एरोमेटिसिटी गेन हो गई यहाँ पे देखो ये एरोमेटिक वापस फॉर्म हो गया उसके बाद में अपने पास एन ए सी एन था वो क्या गया सी एन ने यहाँ से हाइड्रोजन लिया सी एन ने हाइड्रोजन लिया इधर रेजोनेट किया ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर मूव करा और ये एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया और लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हमने पहले क्या किया यहाँ पे जो यहाँ पे इससे पहले यदि ए यहाँ पे करवा के एम ई आई डाल दें यहाँ पे एम ई आई करवा दें तो यहाँ पे क्या हो जाए एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा क्वारनेर कार्बन था तो अभी हमने देखा था ये क्या फॉर्म हो रहा था अपने पास क्या फॉर्म कर रहा था ये अपने पास यहाँ पे लिविंग ग्रुप फॉर्म करा था कॉर्टिनेर काटेट एमिन फॉर्म करा था और उसके बाद में हमने देखा कि जो है अपने पास जो सी एन है सी एन है वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और वापस इसकी एरोमेटिसिटी गेन करेगा और जो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो तो यहाँ पे क्या करेगा जो एसिड होगा जो एस फॉर्म हो गया अपना उससे हाइड्रोजन वापस ले लेगा यहाँ पर हाइड्रोजन वापस ले लेगा और एट द एंड अपने पास क्या हो जाएगा ये एट द एंड देखा जाए अपने पास तो ये अपने पास फाइव मेम्बर की रिंग है यहाँ पे अपने पास फाइव मेंबर में की रिंग है और यहाँ पे हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड है एसीएन सी एन है ठीक है तो ये अपने पास एट द एंड ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया ठीक अब देखो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या जो एन ए एन थ्री की है उसकी बात करते हैं हम तो देखो यदि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की बात करें तो हमने डाइपोलर रिएक्शन पढ़ी थी वन थ्री डायपोलर रिएक्शन पड़ी थी नहीं पड़ी थी वन थ्री डायपोलर रिएक्शन में हमने बोला था कि अपने पास कुछ ऐसा स्पीसीज रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी किसी की यहाँ पे जो ये नेगेटिव इधर अटेक करेगा ये इधर अटेक करेगा और बाद में ये क्या करेगा कार्बोकेटाइन को यहाँ पे स्टेबलाइज करा होगा और फाइव मेंबर की रिएक्शन फाइव मेंबर की अपने पास साइक्लिक रिंग फॉर्म हो रही होगी तो यहाँ पे भी देखो यदि मैं वापस ड्रॉ करूँ जो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है यदि उसको वापस ड्रॉ किया जाए तो अपने पास ये क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन था यहाँ पे डबल बॉन्ड था यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन था सी ट्रिपल बॉन्ड एन था अब अपने पास जो एन एन थ्री है एन एन थ्री की बात करें तो अपने पास कुछ ऐसे प्रेजेंट रहता है एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव ऐसा कुछ फॉर्म रहता है अपने पास यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म रहता है ठीक है एन एन थ्री की बात करें हम तो देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम कि जो अपने पास ये वाला जो सेंटर है वो यहाँ पे अटैक करे ये वाला सेंटर अटैक करे और ये वापस इधर मूव करके इधर से इसको स्टेबलाइज करे इसको इधर से स्टेबलाइज़ करे तो देखो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे ये वन टू हो गया और ये वन टू और थ्री हो गया तो वन थ्री डाइपोलर ये वहाँ पे ये वाला जो स्पीसीज़ है वो यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म कर रख है यहाँ पे इसके सिमिलर हो गया ठीक है ये वाले अपने पास थ्री वाली हो गई और अपने पास ये वाली देखा जाए तो अपने पास ये क्या हो गई टू वाली हो गई ठीक है तो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो देखो कैसे फॉर्म हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट देखा जाए तो अपने पास ये कुछ ऐसा फॉर्म हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे जो ये वाला कार्बन था अब यहाँ पे जो ये वाला था ये सी था अपना यहाँ एन था ठीक है यहाँ पे एन था यहाँ पे अपने पास एन था और यहाँ पे भी अपने पास एन था यहाँ पे कुछ ऐसा था ठीक है अपने पास देखो अभी यहाँ पे अभी देखा जाए अभी भी तो देखो यहाँ पे क्या था यहाँ पे इस यहाँ पे नेगेटिव पे अटैक नहीं करके ये क्या किस पे अटैक कर रहा है कार्बन यहाँ पे नाइट्रोजन पे अटैक कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है वो इधर मूव कर रहा है तो इस नाइट्रोजन पे अभी भी अपने पास नेगेटिव है यहाँ डबल बॉन्ड था अपने पास और यहाँ पे अपने पास यहाँ क्या था अपने पास यहाँ पे भी अपने पास डबल बॉन्ड है ठीक है अब क्या करेगा एट द एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये क्या कर देगा अपने पास इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड अपने पास ये क्या कर देगा वापस हाइड्रोजन अपस्टेट कर लेगा यहाँ पे हाइड्रोजन अपस्टेट कर लिया इसने और यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया यहाँ पे ये नाइट्रोजन था यहाँ पे अपने पास नाइट्रोजन था यहाँ पे एन एच है यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक अपने पास कंपाउंड फॉर्म करने के लिए अपने पास मैनेज रिएक्शन का वो किया जाता है मतलब क्या बोल सकते हैं अपने पास मैनिक मैनिज रिएक्शन को अपने पास यहाँ पे उपयोग में लाया जाता है बोल सकते हैं कि इसको यूज में लिया जाता है ठीक है अपने पास ये यह, यहाँ पे ये यह रिएक्शन हो गई अब हम लास्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करें जो आज के चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है उसमें देख सकते हैं कि अपने पास जो ये वाला जो एन एस टू ग्रुप है और वो यहाँ पे जो ये एल डी एड ग्रुप है अपने पास वो दोनों मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे वो दोनों मिलके अपने पास यूमिनियम आइन फॉर्म कर लेंगे तो पहली जो स्टेप होगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी अपने पास यहाँ पे अपने पास क्या हो गया एन था तो यहाँ पे ये यह, यहाँ पे ऐसे होगा यहाँ हाइड्रोजन रहेगा अपने पास यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन रहेगा ये अपने पास यहाँ पॉजिटिव रहेगा अपने पास ये वाला ग्रुप यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे ये यह अटैच रहेगा ठीक है यहाँ पे ये यह क्या प्रोटेक्टिंग ग्रुप है यहाँ पे ये यह क्या है ऑक्सीजन है ठीक अब देखो यहाँ पे अब क्या होने वाला है यहाँ पे अपने पास ये एमिनियम फॉर्म हो गया अब अपने पास यहाँ पे ओ है और यहाँ पे अपने पास ओ है यहाँ ओ एच यहाँ से रेजोनेट करेगा वो इधर मूव करेगा इधर मूव किया इसने अब देखो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है वो इधर मूव करेगा यहाँ पे जैसे इधर मूव किया इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा अब जैसे ये डबल बॉन्ड मूव किया तो इसने यहाँ पे टेक कर दिया और यहाँ पे इसको रेजनेट करके यहाँ पे क्या कर देगा ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा तो देखो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है आपके पास तो फाइनल प्रोडक्ट की बात करें यहाँ डबल बॉन्ड था अपने पास यहाँ डबल बॉन्ड है और इससे मतलब इससे अपने पास क्या टेस्ट है अपने पास यहाँ पे अपने पास ये वाला अटैच है ये अपने पास ये सिक्स मेंबर की यहाँ पे रिंग फॉर्म हो गई यहाँ पे कुछ ऐसा था और इस कार्बन से अपने पास क्या था यहाँ पे ये वाला ग्रुप अटैच uh... था ठीक है यहाँ पे ये कुछ ऐसा ग्रुप अटैच uh... था ठीक है यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप अटैच था यहाँ पे ओ एच फॉर्म हो गया अपने पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे पास ओ एच हो गया ठीक है ये अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म हो गया अब देखो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने शायद एक हाइड्रोजन कंट्रोल किया हमने यहाँ पे अपने पास एक हाइड्रोजन कंट्रोल किया है तो यहाँ पे जो ये वाला हाइड्रोजन होगा तो नहीं हमने सही किया है यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो क्या को को वो करेगा कोई बेस रहेगा अपने पास और बेस रहेगा वो इसको यहाँ पे अपस्टेट करेगा यहाँ से ये इधर रेजोनेट करेगा इधर रेजोनेट करेगा और इधर रेजोनेट करेगा तो एट द एंड क्या होगा अपने पास एट द एंड अपने पास यहाँ पे एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी और यहाँ पे कुछ फाइनल प्रोडक्ट ये वाला फॉर्म हो जाएगा ठीक है ये वाला अपने पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया यहाँ पे ओ एच OH रहेगा और यहाँ पे अपने पास ओ एच OH रहेगा ठीक है तो ये और अपने पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया अब देखो हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ठीक है अब उसमें बात करेंगे कि हमने पास जो अपने पास वन अपने पास बी एल्पा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन फॉर्म हुआ था उसको बोलते हैं माइकल एडिस माइकल ऐसा एक्सेप्टर बोलते हैं उसको माइकल एक्सेप्टर बोलते हैं और हम यदि उसकी रिएक्शन को देखें यदि हम उसकी रिएक्शन को देखें तो देखो हम जाते जाते ये देख लेते हैं कि वो हमने फॉर्म क्यों किया था तो उसको देखो बेसिकली देते हैं उसको नाम देते हैं रोबिनसन रिएक्शन बोलते हैं रोबिनसन एनुलेशन रिएक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं रोबिनसन एनुलेशन फॉर्म करते हैं और देखो यहाँ पर हम जनरल बात कर रहे हैं हम इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे तो देखो अपने पास यहाँ पे कुछ ये अपने पास ये एल्डिहाइड है मतलब जो ये कीटोन है अपने पास यहाँ पे मेरे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ यहां है यहाँ पे हाइड्रोजन है ठीक है और मेरे पास क्या है बेस दे रखा है यहाँ पे मेरे पास बेस दे रखा है ठीक है और जो मेरे पास यहाँ पे एक्सेप्टर बना था वन फोर मतलब बोल सकते हैं मेरे पास यहाँ पे क्या बना था यहाँ पे ये यह कुछ ऐसा फॉर्म हुआ था यहाँ पे कुछ हुआ था नहीं हुआ था जब बीटा एलिमिनेशन हो अपने पास एलिमिनेशन हो गया था उसके बाद में यहाँ पे कुछ अल्फा बीटा सेचुरेटेड किटोन फॉर्म हुआ था तो देखो पहले बेस की प्रजेंस में यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा इधर रेजोनेट करेगा और यहाँ पे कुछ ये इनोलेट फॉर्म कर लेगा यहाँ पे क्या करेगा अपने पास ये कुछ ऐसा इनोलेट फॉर्म कर लेगा यहाँ पे मेरे पास मिथाइल है ठीक है अब मेरे पास जो ये वाला जो मेरे पास ये ये फॉर्म हुआ था अपने पास अल्फा बीटा सेचुरेटेड कीटोन तो इसमें क्या होगा जो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर वापस पार्टिसिपेट करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर वापस पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड था वो कहाँ पर अटैक करागा अपने पास यहाँ पे अटैक करेगा ये इधर मूव करेगा और यहाँ पर ये क्या करेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा एक्स ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया तो इसको बोलते हैं कि हम कॉन्जुगेट एडिशन हो रहा है यहाँ पे कॉन्जुगेट एडिशन हो रहा है ठीक है यहाँ पे डबल वन फॉर्म हो गया यहाँ पे क्या हो गया अपने पास ये वाला कार्बन था यहाँ पे अपने पास ये था और उसके बाद में अपने पास ये ओ एम ई यहाँ ओ माइनस था यहाँ पे और यहाँ पे एम ई था ठीक है ये वाला एम ई था यहाँ पे ये अपने पास ये वाला फॉर्म हो गया अब क्या करेगा अपने पास जो एच ओ ई टी फॉर्म हो गया यहाँ पे एच ओ ई टी फॉर्म हो गया ना जहाँ हाथ से हाइड्रोजन ऑक्सटेट कर लिया इसने तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन वापस यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सटेट करेगा ठीक है हाइड्रोजन ऑब्सटेक्ट किया और उसके बाद में ये क्या है अपने पास क्या कीटोइनोल फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि भाई ये क्या हो गया अपने पास यहाँ पे अपने पास मिथाइल था और बोल सकते हैं यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ओ एच हो गया यहाँ पे एम ई हो गया एट द एंड क्या होगा ये वाला जो है वो कीटोइनोल फॉर्म में चेंज हो जाएगा कीटोइनोल फॉर्म में चेंज हुआ तो देखो क्या हो गया अपने पास यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ से मूव हो गया यहाँ पे ये कुछ ऐसा फॉर्म हो गया ठीक है अब क्या रहेगा अपने पास जो ओ टी है जो ये ओ है वो यहाँ पे जो मिथाइल है वहाँ पे हम इसको सी एस टू एच लिख सकते हैं सी एच टू एच लिख सकते हैं वो इसका हाइड्रोजन ऑप्सट्रेट करेगा इसका हाइड्रोजन ऑप्सट्रेट करेगा और उसमें देखो को आप क्या फॉर्म होने वाला है अपने पास यहाँ पे मिथाइल था अपने पास यहाँ पे अपने पास मिथाइल था यहाँ पे ये कुछ था ऐसे यहाँ पे अपने पास ये था सॉरी हमने एक कार्बन ज़्यादा ड्रॉ कर दिया नहीं सही है अपने पास यहाँ पे अपने पास ये था ये सी एच टू माइनस है फिर अपने पास ये वाला कुछ ऐसा है ठीक है अब ये वाला रेजोनेट करेगा इधर यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस फॉर्म करेगा फिर से वापस आएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव है वो वहाँ पे अटेक कर देगा और यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा तो देखो फाइनल क्या हो रहा है अपने पास ये कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे अपने पास ये था ये अपने पास ऐसा था यहाँ पे जो अपने पास यहाँ पे क्या था अपने पास ये ये वाला यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे अटैक किया तो ओ माइनस बोल सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड था यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ गया अपने पास यहाँ पे अपने पास क्या हो गया डबल बॉन्ड ओ आ गया और यहाँ पे अपने पास कार्बन आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस आ गया ठीक है ओ माइनस आ गया अब उसके बाद में देखो क्या होने वाला है यहाँ पे देखा जाए उसके बाद में तो ये ओ क्या करेगा यहाँ पे जो एच ओ ई टी वापस फॉर्म हुआ उससे हाइड्रोजन अपस्टेट करेगा हाइड्रोजन अप्सटेट किया इसने तो अपने पास यहाँ पे ओ एच फॉर्म हो गया यहाँ पर एच फॉर्म हो गया और उसके बाद में अपने पास यहाँ पे ये क्या हो गया कीटोन फॉर्म हो गया और यहाँ पे अपने पास मिथाइल था ठीक है अब क्या होगा यहाँ से देखो यहाँ अब क्या होगा यहाँ से हाइड्रोजन अपने पास यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये यह वाला है जो ये वाला हाइड्रोजन है वो क्या है अपने पास मोर एसिडिक है ये वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक है तो या तो ये रेजोनेट तो करके वापस आएगा तो यहाँ पे बोल सकते हैं है। हम इसको डायरेक्ट इधर पार्टिसिपेट करेगा और इधर इसको निकाल देगा यहाँ पे क्या कर देगा इसको निकाल देगा तो फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो देखो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा ये सिक्स मेंबर रिंग ये अपने पास सिक्स मेंबर रिंग ये अपने पास ओ यहाँ पे डबल वन यहाँ पे मिथाइल ठीक है, है ये अपने पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया क्या हो गया अपने पास ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया यहाँ पे यदि हम इसको अच्छे से देखें तो ये वाला फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया और यहाँ पे हम इसको मिटा के इसी में यदि हम करें तो बोल सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये अपने पास क्या है फाइनल प्रोडक्ट है ठीक तो देखो इसकी स्टीरियो की बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में तो जो हमें गेट नेट में पूछी जाती है जबकि अपने पास जो रॉबिनसन एलोसन रिएक्शन है वो हमें क्या एम लेवल तक पूछ सकते हैं जैसे हमें जे का एग्जाम हुआ डी अपने पास डी का एग्जाम हुआ बी का एग्जाम हुआ तो उनमें बस ये सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है तो जो ये वाली जो रिएक्शन है वो हमने की है आई आई जैम और डी यू वालों के लिए की है और बात करें यदि हम नेट गेट की तो नेट गेट में इस, इसकी स्टीरियो भी पूछते हैं इसलिए हम क्या करेंगे जो नेक्स्ट वाला चैप्टर रहेगा उसमें हम पहले स्टीरियो की बात करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे ठीक तो हम ये बात आगे करने वाले हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो